ಹೈದರ್ ಅಣ್ಣ, ಹೈದರ್ ಅಣ್ಣ. ಕೌನ್ ರೇ ವಾ ಜೋ ಮೇರಾ ನೀಂದ ಖರಾಬ ಕಿಯಾ? ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಹಮದ್, ತುಮೇ ಯಾದ ಹೋಗಾ ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೈನೆ ತುಮಾರಿ ಜಮಾನತ್ ಕರ್ವಾಯಿ ಥಿ. ಯೇ ಪೈಚಾನ್ ಇನ್ಸಾನ್ ಕಾ ವಜನ್ ಕಮ ಕರ್ತಾ, ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಪೈಚಾನ್ ಛೋಡ್ಕೆ ಕಾಮ ಕಾ ಬಾತ್ ಕರ್ನಾ. ಹೈದರ್ ಅಣ್ಣ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಚೌಕನ್ನ. Good morning, sir. Ah, Matre, aap. Matre, aakhir tum chahte kya? Tension lene ka nahi, sir. Tension dene ka. ये काम जल्दी में नहीं होता. अरे वकील, हैदर अली को काम पसंद आएगा तो काम करेगा. कीमत काम के हिसाब से तय करेगा. अभी तक आफ्ताब जिंदा है और जब तक आफ्ताब मर नहीं जाता, बेग की बेटी कातिल साबित नहीं हो सकती. ये टेंशन लेने का नहीं रे शेठ, टेंशन देने का. अभी तुम्हारा टेंशन ये मात्रे दूर करता, कुछ ना कुछ चक्कर तो जरूर चलाएगा ये. हाँ साहेब, उसके टेंडर का रेट इतना कम होता है ना साहेब कि कोई पन उसका मुकाबला नहीं कर सकता. एक दिमाग वाली बात बोलता है साहेब मैं. अगर तुमको उसको हराने का है ना साहेब, तो यह टेंडर तुमको ही हासिल करना पड़ेगा. बहुत दिमाग है तुम्हें मात्रे. साहेब छोटा मुंह बड़ी बात होगी साहेब. एक बात लेकिन बोलेगा मैं, पुलिस के पास वर्दी, वकील के पास वकालत और गुंडे के पास हथियार नहीं होएगा ना, तो बेकार है वो. वैसा ही अपुनपन है ये. अपुन के पास अगर दिमाग नहीं होता ना साहेब, तो ये मात्रे आज यूनियन लीडर बनकर नहीं रहता इधर. मिस्टर अन्ना, सबसे चकन आप क्या कर रहे हैं? अन्ना नहीं, इधर अन्ना. एवरी टाइम चौकन्ना. ये सवाल है तुम्हारा गलत कि क्या कर रहे. मैं कर चुका. कर चुका. कट. वेरी गुड वकील साहब, वो तो करोड़ों का मालिक बन गया जी. कौन है ना? वही. हाँ, ये माइटर मई सॉल्व किया ना, रुपया भी मई मांगे. मत भूलो अन्ना कि हमने ही तुम्हें काम दिलाया. वकील साहब, ये तुम लोगों ने मेरे को काम दिया, तुमको तुम्हारा दलाली मिलेगा. तुम्हारा पहला सवाल, तुम हाँ मैं हैदर अन्ना. तुम्हारा दूसरा सवाल, यहां इस वक्त पैसा. तो मेरे ख्याल से ये रात का टाइम नहीं, दिन का टाइम. और मिलने के वास्ते दिन का टाइम बहुत अच्छा. तीसरा सवाल, ये बगैर बताए कैसा आया? अगर मैं तुमको बताता तो मेरा मर्डर का प्लान करता तुम. हा? और तुम्हारा चौथा और आखिरी सवाल, तुम इधर कैसा आया? मैं ऑटो पकड़ के यहां पर आया. अब मेरा एक सवाल और एक जवाब देना. ये मेरा पैसा मेरे को कब मिलता? देखो तमीज से बात करो, ये मेरा घर है. एक मिनट, ये हैदर अन्ना का पास जितना तमीज था ना, उसको यूज किया. अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना,
तो मेरा तवीज का स्टॉक एकदम खत्म हो जाएगा, फिर तुमको बहुत भारी पड़ेगा। धमकी दे रहे हो? डीलिंग भी तो तुमसे किया। देखो अन्ना, तुम्हें बहुत ज्यादा रुपयों की जरूरत है। ये कम रुपयों में मेरा पेट नहीं भरता, जास्ती रुपयों में नियत नहीं भरता। यही इंसान का फितरत है ना। बोलो क्या फैसला किया तुम, क्या फैसला किया? देखो मैं तुम्हें नहीं जानता, जाके उस आदमी को लेके आओ जिसने हमें मिलवाया था। कौन वो वकील? वो दोगला वकील जो केस का बहाना करके शहर छोड़ के भाग गया अपने असिस्टेंट के वास्ते। तुम उस वकील का बात करता? वो कमीना इंसान, लेकिन मैं भी कमीनों का सरदार जी। ये मेरा पैसा लिए बगैर मैं नहीं जाता ना। तुम गलत समझ रहे हो, वो कहीं भागा नहीं, केस सॉल्व करने के लिए आउट ऑफ स्टेशन गया है। ये चोर का भाई गिरगट, तुम उस भगोड़ा का तरफदारी करता। हाँ साहब, ये मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता, बहुत रिक्वेस्ट अंदाज में तुमसे बोला था कि मेरा पैसा मेरे को दे दो, मैं यहां से चला जाएगा और बहुत काम है मेरे को। ठीक है जाओ, तुम्हें जो करना है कर लो, उस पर कोई असर नहीं होगा। सोच लो, सोच लिए, लेकिन तुम भी एक बात समझ लो, तुम्हारी लीडर भक्तियों से तुम्हारा भी कुछ नहीं होगा। इसी के लिए बोलता, पहला सोचना समझना फिर बोलना। मैं चलता, खुदा फिर आएगा। हैदर अन्ना, एवरी टाइम चौकन्ना।